हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीलम। आज हम बनाने जा रहे हैं होटल स्टाइल मसाला अंडा करी, वो भी घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मसाला अंडा करी के लिए हमें लगेगा 5 से 6 उबले हुए अंडे। इन्हें हमें हर जगह से थोड़ा थोड़ा काटना होगा ताकि हम जब ग्रेवी बनाएं तो ये अंडे और ग्रेवी को अच्छे से सोक कर सके। अब इन पर हमें थोड़ा हल्दी छिड़कना है, थोड़ा मिर्ची पाउडर। हम इन सब अंडों को हल्दी मिर्च पाउडर में मिला लेना है। हर एक अंडे पर हल्दी मिर्च अच्छे से लगनी चाहिए। अब इन्हें हमें फ्राई करना है। इन्हें हल्का फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई करने पर जो हल्दी मिर्च है वो जल सकती है। एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब एक कढ़ाई में हमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल लेना है, 3 से 4 कलिया लहसुन की, 5 से 6 लवंग, 2 से 3 छोटी इलायची, 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 तेजपत्ता। इन्हें हल्का फ्राई कर लीजिए धीमी आंच पर। अब हमें 2 मीडियम साइज के प्याज लेकर उन्हें पेस्ट बना के डालना है। इसे सुनहरा होने तक भून लीजिए। अब इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डालिए, उसे भी अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी डालिए और मिला लीजिए अच्छे से। अब इसमें 2 टमाटर मीडियम साइज की, उनकी प्यूरी की हुई वो डालना है हमें, उसे भी मिला लीजिए। 2 से 3 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर, इन्हें भी मिला लीजिए अच्छे से। अब 1 कप दही लीजिए। मैंने साधारण दही लिया है, आप मलाई दही भी ले सकते हैं, उससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डालिए। आप इस करी को धीमी आंच पर पकाते रहिए। इसमें 1 कप पानी लीजिए, मिला लीजिए। अब इसे हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। उबाल आ रहा है, अब इसमें हम अंडे छोड़ेंगे। सभी अंडों को करी के अंदर कवर कर लेना है ताकि करी उसमें अच्छे से सोक हो सके। अब इस पे धनिया डालिए। चलो तैयार है हमारी सब्जी, मसाला अंडा करी, वो भी होटल स्टाइल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।